नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। या दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आप सभी को बता दें कि जब हम अपने जीवन काल में निराश हताश हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारा कोई भी कार्य बनता नहीं, दोस्तों तब वश में ईश्वर का रहमत हमारे ऊपर शुरू होता है और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, आप भी पिछले कई समयों से बहुत ही ज़्यादा निराश चल रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आप जो कार्य करना चाहते हैं वो मनपसंद कार्य आपको मिल नहीं रहा है। यूँ कहें तो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने जो भी पिछले समय कार्य किए हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्य हैं और उनका फल भी आपको मिलना बहुत ही अच्छी बात है और यश में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक जानकारी हम आप सभी के लिए बता दें। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी ब्रह्मदेव अग्निदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें जय अग्निदेव। भगवान अग्निदेव ब्रह्मदेव के शुभ आशीर्वाद आपके जीवन काल पर आने वाले समय पर पड़ते रहेंगे। जी हां दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से बहुत ही बड़े चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ब्रह्म नाम का शुभ योग का निर्माण हो चुका है, जिससे दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव की अग्निदेव की असीम कृपा दृष्टि आपकी कुंडली में पड़ चुका है, जिनसे दोस्तों आपको कई प्रकार के कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। यूँ कहें तो दोस्तों, यश में आपकी मुंह से निकली हर इच्छा पूरी होगी, आपके सोया हुआ नशीब भी चमकने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप कोई भी गलती ना करें और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि दोस्तों इस वीडियो में ग्रहों का पूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपको कौन से क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे। जी दोस्तों, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव, कौन कौन बड़े सुधार और कौन कौन से बड़े चमत्कार आप सभी के जीवन काल में आने वाले समय में होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में याद रखने हैं। जी दोस्तों, इन बातों को अगर आप अपने जीवन काल में ढाल लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके आने वाले समय में जो भी परेशानियां हैं वे सभी जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन्हें आप ध्यान से जरूर सुनिएगा कि दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरु जी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति हर हाल में राजा हो, उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदलते तो अपने मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आपके भी जीवन काल में कोई संकट समस्याएं हैं तो दोस्तों वश में आप बिल्कुल ही ना घबराएं और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने कार्यों में डटे रहें। दोस्तों, आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। जी दोस्तों, अगर आपको यह कहानी समझ में आई हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अब कौन कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें। आपको बता दें कि इससे बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे, घर में सुधार और नवीकरण की योजनाएं बनेगी, बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, क्योंकि यह समय जो है अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी संबंधित कोई भी लोन अपनी क्षमता से अधिक ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मामा पक्ष के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए संभव हो सकता है। योग थेरेपिस्ट्स की मदद से भावनात्मक का जो है उलझन कम होगी। आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला सहयोग आपका आत्मविश्वास भी इस समय बढ़ाने वाले हैं। पैसे से संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। यश में अपनी जरूरत से अधिक खर्चा करने से आप बचें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में
आप लिए जो मैं होंगे आपको बता दें कि दोस्तों रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्य में भी कुछ अपना समय व्यतीत करें। इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी, मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस करेंगे। यह समय कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आने वाली है, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास द्वारा उन्हें स्वीकार भी करेंगे और सफलता भी इनमें हासिल करेंगे। बशर्ते दोस्तों हर कार्य में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। युवा वर्ग किसी बात में आकर कोई गलत काम न करें या फिर गलत मार्ग न अपनाएं। दोस्तों यह समय आपके लिए, आपके पास योजनाएं तो बहुत आएंगी या फिर बहुत योजनाएं होंगी, इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। विरोधियों की गतिविधियों को भी इसमें नजरअंदाज ना करें, ये भी आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय आपकी भूमिका परिवार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो समय है आपके लिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण कठिन कामों को भी आसानी से आप कर पाएंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा सौम्य वर्ताव रखने की आपको आवश्यकता होगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ग्रह स्थितियां इसमें आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। दोस्तों घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संबंधी कार्य भी हो सकते हैं तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। इनसे दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ने वाले हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय चल रहे उचित समय का भरपूर सदुपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यह समय बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें और इन अपने महत्वपूर्ण कामों में ध्यान को केंद्रित रखें। आपको बता दें कि अपने किसी नजदीकी संबंधों की सलाह गलत भी साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि स्वयं ही अपने कार्यों को संपन्न करने का आप प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बने हुए कर्ज को मिटाने की आपकी कोशिश प्रगति को और बढ़ रही है। फिर भी दोस्तों खर्चों पर नियंत्रण लाने की आपको आवश्यकता होगी। घर से संबंधित नए खर्चे अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी दोस्तों पैसा खर्च करते समय आप अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर मौज मस्ती करने के लिए, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ने तथा उसमें अपना सहयोग देने में यह समय अधिकतर समय व्यतीत होगा। अगर घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय होगा। युवाओं को अपनी मेहनत का शुभ परिणाम भी इसमें मिलने वाले हैं, तो दोस्तों चिंता करने की इसमें आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें कि आपके अहम की वजह से आपके कुछ बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने का प्रयास करें। इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय फिलहाल आपके काम आसानी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी यश में बनी हुई है, फिर भी दोस्तों आप परिस्थिति का पूरा फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे। खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की यश में आपको आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों व्यापार संबंधी गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। प्रभावशाली नए संपर्क भी बनेंगे। यश में मार्केटिंग तथा इनसे संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों यश में ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यावसायिक स्थल पर फायदे की स्थितियाँ बन रही है। फायदे की अपेक्षा मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि दोस्तों कोई खास सफलता आपको इसमें आपको नहीं मिलेगी, परंतु आपकी भविष्य संबंधी योजनाएं सकारात्मक रहेंगी और भविष्य में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। आय और व्यय का समन्वय इसमें बना रहेगा। नौकरी की तरक्की संबंधी कोई शुभ सूचना इसमें आपको मिल सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सभी काम अच्छे तरीके से पूरे होते जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी गलत सलाह आपके बिजनेस में परेशानी का कारण बन सकती है या फिर परेशानी को खड़ी कर सकती है। इसलिए दोस्तों इसमें बेहतर होगा कि अपने फैसले को प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ध्यान रखें कि किसी प्रकार की राजनीति में आप फंस सकते हैं, तो सतर्क रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में निधियाँ भी बनी रहेंगी।
और इसके उपरांत दोस्तों ये शो में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यह शो में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु जीवन साथी और परिवार सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे दोस्तों घर की व्यवस्था भी उत्तम बनी रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच कोई तकरार भी रह सकती है, परंतु ये जो समय है आपके लिए क्षणिक ही रहेगी, माहौल में फिर से सुधार भी आएगा, तो दोस्तों चिंता ना करें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पति पत्नी आपसी सहयोग द्वारा घर तथा व्यवसाय संबंधी सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न भी करेंगे तथा परिवार जनों के साथ डिनर तथा घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय वंशानुगत बीमारी संबंधी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यह समय लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे।